अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियोस का सबसे पहले पता लग सके। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ली और उसे मैंने इस तरह लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया। इसी तरीके से प्याज को कट करें, चिली पोटैटो में इसी तरीके की प्याज कट होती है। और यहाँ मैंने चार हरी मिर्च को लंबा लंबा पतला पतला कट कर लिया है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। एक शिमला मिर्च के मैंने पीसेस कट कर लिए हैं, बिल्कुल लंबे लंबे और पतले पतले। धनिया पत्ता लिया है और यहाँ मैंने दो बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिन्हें आपको बॉईल नहीं करना है। सिंपल आप उन्हें वॉश करके छील कर और इस तरीके से कट कर लीजिए। ज़्यादा पतला भी ना कट करें, मोटा ही कट करना है इन्हें, और ज़्यादा मोटा भी ना कट कर दें। तो इस तरीके से यहाँ मैंने दो आलू कट किए और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सैफ्रन कलर का फूड कलर लिया है। फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। और यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आलू में अच्छे से कॉर्नफ्लोर और मसाले लग जाने चाहिए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पानी यूज़ कर लेती हूँ, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो सके। तो यहाँ एक साथ पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि इसका बिल्कुल मिक्सचर नहीं बनाना है, सिर्फ हमें मिक्स करना है कि आलू में सारे मसाले अच्छे से लग जाएँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 चम्मच पानी ऐड किया है। हाथों की हेल्प से मिक्स करें, अच्छे से मिक्स हो जाएगा सारा मसाला आलू में। तो देखिए, इस तरीके से बहुत इजीली ये मिक्स हो जाएगा। तो आलू में सारा मसाला और कॉर्नफ्लोर अच्छे से लग चुका है। तो ये तो स्टेप हो गया हमारा। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और घी जैसे ही गर्म हो गया है, तो अब मैं यहाँ पर आलू के पीसेस इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू के पीसेस थोड़े ज़्यादा थे, तो यहाँ मैं उन्हें 2 पार्ट्स में फ्राई करूँगी। तो यहाँ मैंने पहला पार्ट तो इसमें ऐड कर दिया है। आलू को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना आ जाए। तो देखिए, जैसे ही हल्की हल्की लेयर बनने लगे ना कॉर्नफ्लोर की, तो हम इन्हें इस तरह करछी की हेल्प से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें इस तरह चलाते हुए फ्राई करेंगे तो आलू उतने ही क्रिस्पी फ्राई होंगे। चिली पोटैटो में आलू क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमें आलू के पीसेस को 90% ही फ्राई करना है, बाकी 10% कब फ्राई करना है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो यहाँ पर आलू 90% फ्राई हो चुके हैं एकदम अच्छे से। तो अब हम आलू को निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं आलू एक प्लेट में निकाल रही हूँ। एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है इनका। तो अब बारी है दूसरे पार्ट को भी फ्राई करने की। तो यहाँ दूसरा पार्ट भी फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरा पार्ट भी फ्राई हो गया है, तो यहाँ मैंने दूसरा पार्ट भी निकाल लिया है। सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ घी। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है। घी को गर्म होने दें और जैसे ही घी गर्म हो जाए, तो यहाँ हम ऐड करेंगे जो हमने मिर्च कट करके रखी हुई थी। इन्हें फ्राई कर लें हल्का हल्का, ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना है, बस हल्का हल्का फ्राई कर लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया, मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ही लें, जितना तीखा आपको खाना पसंद हो। तो अब मैं यहाँ पर प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को भी इस तरह फ्राई कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी टेस्टी रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो देखिए, प्याज भी हल्की हल्की फ्राई हो गई है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसी टाइम पर ऐड कर लें, जिससे कि वो भी अच्छे से पक जाए। तो इसे इस तरह फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी शिमला मिर्च। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है।
और अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। गाइस, शिमला मिर्च तो चिली पोटैटो में बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो हर बाइट में शिमला मिर्च चाहिए होती है चिली पोटैटो में। और अब मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप यानी कि टोमेटो सॉस ली है, तो इसमें ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है टोमेटो सॉस से। और जिस कटोरी से मैंने टोमेटो सॉस डाली थी उसी कटोरी से मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे कि हमारी जो सब्जियाँ हैं ये जले ना। तो इसे इस तरह फ्राई कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे इसी तरह पकने के लिए छोड़ देना है, जब तक ये अच्छे से पकेगी। आइए मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमने घी में फ्राई किया था ना, हमने 2 पार्ट्स में फ्राई किए थे, तो अब ये सारे चिली पोटैटोज़ एक साथ डाल लीजिए और ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें दोबारा से फ्राई कर लीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं ना चिली पोटैटो उतने ही अच्छे लगते हैं। और अगर आप पहले ही इन्हें कम्प्लीटली फ्राई कर लेंगे ना तो अच्छा टेस्ट नहीं आता है और फिर ये इतने क्रंची भी नहीं लगते हैं खाने में। तो देखिए, ये एकदम परफेक्टली फ्राई हो गए हैं, देखिए इनका कलर अब एकदम गोल्डन ब्राउन आ चुका है। तो अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी, एकदम क्रिस्पी लग रहे हैं दिखने से ही। तो यहां अच्छे से फ्राई हो चुके हैं पोटैटोस। तो आइए अब हम ग्रेवी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रेवी अच्छे से पक गई थी, तो यहाँ मैंने चिली पोटैटो के लिए ये पोटैटो के पीसेस ऐड कर दिए हैं और इसे मिक्स कर लीजिए, बस हल्का सा मिक्स कर लें। और अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ता, धनिया पत्ता से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिली पोटैटो में, तो इसे मिक्स कर लीजिए। तो देखिए, एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं पोटैटो ग्रेवी के साथ। तो गाइस, चिली पोटैटो एकदम अच्छे से बनके रेडी हो चुके हैं, फ्लेम को कर दीजिए बंद। आप लोग देख सकते हैं एकदम परफेक्टली रेडी हुए हैं ना चिली पोटैटो। तो अब हमें इन्हें सर्व करना है, तो यहाँ पर मैंने इन्हें सर्व कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं एकदम परफेक्ट चिली पोटैटो बनके रेडी हुए हैं, बिल्कुल बाहर जैसे लग रहे हैं ना, जैसे आप लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो इन्हें ज़रूर ट्राई करें, एंड अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। एंड अगर आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे उसकी पिक इंस्टाग्राम पर ज़रूर सेंड करें, एंड इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया हुआ है, आप लोग वहाँ पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं।